ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। और वैसे हमें पता तो है नहीं व्लॉग कैसे बनाते हैं, पर मैंने सोचा कि शुरू कर देते हैं। नया नया जीवन शुरू हो रहा है हमारा। नहीं नहीं शादी हुई है मेरी, तो मैं तीसरी बार जो है जा रही हूँ ससुराल में। थोड़ी घबराहट तो हो रही है, पर क्या कर सकते हैं। मेरे को घबराहट में, टेंशन में हंसी ज़्यादा आती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। अब देखो थोड़ा डांस का तरीका भी हमारा अलग है। हम घबराहट में जो है ना बातें ज़्यादा करते हैं। ये मेरी मम्मी ने ड्रायर से हाथ सुखाते हुए हमारे, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी और हमने हाथ पैरों पर मेहंदी लगाई थी। अरे नए नए में फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं, तो चलो कोई बात नहीं। फिर भी मम्मी नर्वस हो जाती है बार बार हमारी, तो हमने मम्मी को इंजॉयमेंट करवाने के लिए अपने पास बैठाया कि भाई क्या पता मम्मी हंसने लग जाएं। अब सोच रहे हैं हमारा ना व्लॉग बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। हम थोड़ा ना सोचते समझते कम है दुनिया में तो इसलिए हम किसी प्रकार का व्लॉग डाल सकते हैं। तो आप लोग सतर्क होके रहें और हमारे व्लॉग पे ध्यान दें कि लाइफ कैसी है मेरी जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये मेरे भाई ने मेरी छोरी छुपे एक क्लिप बना दी थी, तो ये मैंने डाल दी क्योंकि मेरे को अपने आप को देखते हुए ना बड़ा निहारते हुए बड़ा मज़ा आता है। अब मैं अपने आप को निहारते हुए खुश होते हुए आपका हम स्वागत करते हैं हमारे आज के नए व्लॉग में। आज है 15 तारीख और आज हम ससुराल जा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अपने पौने इनको। ये देखो ये मम्मी खील ढूंसती हुई टाइम पास कर रहे हैं इंतजार का। ये देखो ये हमारी चाची इंतजार कर रही है। ये हमें विदा के सूट दे दिया इन्होंने, देखो विदा कर दी और पैसा भी दे दिए। एक ही चाची है ढुलकचा की दुजौने ढुलकचा, ये क्या नाम है ढुलकचे के। आप ऐसे प्राइवेसी ओपन अप नहीं कर सकती, कर दी ना। तो एक ये है, ये है भूमि, 2 साल बाद वो खा रही है खील। चाची बोल रही है व्लॉग बना लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि ये है मालनी है, इनके नजर लग जाएगी और अगर नजर लग गई तो हमारे चाचा कहाँ जाएंगे, रोटी कौन खिलाएगा उन्हें, सब्जी कौन खिलाएगा, बर्तन चाचा को धोने पड़ जाएंगे जैसे कल हमारे पापा धो रहे थे। ये तो गलती से गलत सब निकल गए, मम्मी हमारी नाराज होते हुए। अभी इनसे बहुत सामान लेना है जाने से पहले, तो इनको नाराज नहीं कर सकते हैं गाइस। और ये हमारी दादी है, दादी कुछ बोलो। दादी खील के इंतजार में किसी ने पूछा नहीं, बड़ों का निरादर कर दिया घर में। देखो आप जरा इनको खील दे दो, सम्मानित करो खील के डिब्बे से। इनकी बहू ने किया है, लाडली बहू ने, उठा लो खील, उठा लो। दिवाली की खील खा रहे हैं हम, दिवाली की। पानी से रुकेगी नहीं ये खांसते हुए, धक्का लग गया ढुलकचे वाली के। ढोल बजाओ ढोल ढुलकचे वाली की कमर पर। अरे नहीं इनकी वैसी वाली खांसी नहीं है जी, हाथ मार लो पानी। कैसी खांसी है? तो अपने आप ही ठीक हो गई है, उसको रोकने के लिए। कैसी खांसी है? धसका वाला खांसा, धसका वाला खांसा है इनके। दीपू तैयार हो गई है जाने के लिए। दीपू ने पनीर की सब्जी बनाई है। हाँ जी हम बताना भूल गए, सिरप लगा रही। दीपू ने पनीर की सब्जी बनाई है, दाल मखनी बनाई है और जी इसने अब पूरी बनानी है। इसके पौने ने इसको चैलेंज दिया था, रायता बना रहे थे, रुको हम ना रायता बना रहे थे, रायते में हमने चाट मसाला घेर दिया। भैया दूध तो बच गया पर गालियां बहुत सुनने को मिली हमें। ये हमारी बात है, देखो कितना ये हमारी जो हमारी बहन ने ना अदरक कूटने वाले में लहसुन कूट रखा था। हमारी इस लाडली चची ने उस अदरक को सारी को क्या बोला तूने चाय में घेर दिया और वो सबने चाय पिया लहसुन विद चाय। भैया इस मामले से पता लगता है गलती किसी नहीं है, गलती हमारे पहाड़ों की है जो आज आ रहे हैं। क्या इस मैटर से पता लगता है गलती किसी नहीं है, गलती हमारे पहाड़ों की जो आज आ रहे हैं। बोलो खाए जा रहे इनको, इनको खील में से ना महक आ रही है क्योंकि ये दिवाली से बंद रखी है। हम इन्हें बता रहे हैं इसमें घोड़ा बनता है, एक जो वो चीनी का रहता है, उस घोड़े ने लीद कर दी तो लीद में से महक तो आएगी। हमारी मम्मी मुंह फेरते हुए और ये बोल रही थी हमें तो कूड़े में से भी महक नहीं आती। अब इन्हें घोड़े की लीद में से महक आ रही है। पूछो
मम्मी नाराज होते हुए ये लड़का हो जाओ आदमी है। नाराज होगी तो दो चार दिन करो, उसके तो फोन नहीं करोगी कम से कम हमें। हमें ये माजी यूं पढ़ा रही है कि अपने जो है हगी मोती की फोन पर नहीं बतलानी चाहिए और ना ही हमें ऐसी फालतू बातें फोन पे करनी चाहिए, चाहे वो हमारा आदमी हो, चाहे हमारे घर के हो, चाहे कोई भी हो। तो अभी एक सेकंड में माजी पलट गई और छुट्टे बोलती तेरे बाबा ने रोटी खा ली। अब इस सवाल का जवाब पूछो माजी से, क्यों पूछ रही है हगी मोती बाबा से? रोटी के बाद तो हगा मोता ही जाता। तो पूछो जरा इनसे कि हगी मोती क्यों पूछ रही है। अब इनके पहाड़ों का इंतजार जो है सबर का बांध टूट गया। इनके पहाड़ों ने बोली थी हम सुबह 9 बजे आ जाएंगे, अब बज रहे हैं जी 1। तो इनको अभी भूखे बैठे बैठे इनकी आत्मा में पानी आ गया। अब इन्होंने रोटी बनवा ली अपने लिए, अब इसके बाद इंतजार करने के बाद पापा हमारे गुस्से में हैं कि हमें किसी का इंतजार करवाना पसंद नहीं है, तो हमें कोई क्यों करवा रहा है पसंद। गाइज ये हमारे घर वालों के पहुँचे पहला पहुना मतलब बड़े वाला पहुना आ चुका है, और नहीं कढ़ाई वाला पहुना नहीं, मेहमान वाला पहुना यानी कि जमाई राजा। और ये हमारे आगे वाला भाई है, पीछे उनके वाला भांजा है यानी कि मेरा भी भांजा ही लगेगा, इसका नाम है सन्नी। और आगे ये हमारे कोट पहन के आए हुए हैं मालिक साहब, सर बोलते हैं वैसे हम इनको। हेलो गाइस, तो आज हमारे घर में जमाई आ चुके हैं हमें लेने जो आए थे, तो माजी से जरा हम पूछते हैं माजी का क्या एक्सपीरियंस। माजी बताओ बताओ माजी बताओ कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहे हैं आपकी जमाई आपको? बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। और हमारे छोरी और भी अच्छे बहुत अच्छे। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है आपकी जमाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है आपको? आपको बताओ चिल्ला रहे हैं सुंदरिया, पहले वाली का एक्सपीरियंस बताओ, मत बताओ आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? हम तो खुश हो रहे हैं, दिन जा रहे हैं, नाचने को जा। क्या बोला क्या बोला? मान यार साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले। आपको कैसा लग रहा है? हम तो खुश हो रहे, दीदी जा रही है, खुशी तो रही है। तू बता अच्छा। गाइस हमारे घर में शांत रहने के लिए बोला है, ये मम्मी मुझे धमका के गई है, हम मैं चुप होना चाहती हूँ तो मैं आपको बाय बाय बोलती हूँ। बाय बाय एक बार हम से हेलो दोस्तों, हम आज चलो छोड़ो पापा खड़े ये हमारे चाचा लगते हैं, वैसे मामा आज भेंट देंगे इसलिए आज हमने मामा बना लिए। ये हमारे पापा जी हैं, इंतजार कर रहे हैं, खाना तो खा लिया है ना, जमाइयों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा आपको कैसा लग रहा है आपकी जमाई आई आज? बढ़िया लग रहा हूँ। कैसे लगे आपको नए नए जमाई? कैसे लगे बताओ है? कैसे लगे नए जमाई? खूब बढ़िया लग रहे हैं, मिल गए नहीं आए इस बारे। अच्छा आप बताओ चाचा, इतना बढ़िया लग रहा है जो रिश्तेदार को भी हाल चाल पूछेंगे। पूछा दिया भाई, आप बताओ बढ़िया पापा पहले वाले लेने लो, पापा पहले वाले लेने लो, बड़े वाले तो फील हो ही रही। अभी जैसे थोड़ी देर पहले चले आ रहे हैं सामने आते नहीं, सारे सीरियस हो जाते हैं। मतलब कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ये कौन सा ब्लॉग? कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया हो रहा है, निकट जल्दी। अच्छा आपके नई जमाई है, कैसा लग रहा है? नई गए वो पुराना, कितने दिन पुराना? एक डेढ़ महीना नहीं अभी आया, एक दिन बाद ही होगा। देखो कितना काट नहीं पाऊंगी मैं इसको, जरूर कह रूंगी कितना नफरत करते हैं से। सिर्फ काम और पोछा लगवाने के लिए लड़कियों को याद करते थे, अब पोछा लगना खत्म तो इनका काम खत्म। आप बोल रहे हैं हम दफा करना चाहते हैं, दोबारा शुरू कर। चल गलत बोल दिया, फॉर्च्यूनर वाली पार्टी मेरे जाने की तैयारी हो गई है। स्वरूप ये देखो चूड़ा पहन लिया, ये मेरी एक दोस्त है, ये चूड़ा सेट कर रही है मेरा। ओके जी, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है छपरी ब्लॉगर वाली, ये दीदी वाले जो है अब आए हैं। ये मेरी वैसे तो है छोटी बहन, पर इसको दीदी बोलने में फायदा है क्योंकि इसके नखरे इतने ज्यादा है
क्या ही बताएं। तो अब हम तैयार हो रहे हैं, तो आपको हम बस अपना फाइनल लुक बताएंगे 5 मिनट के बाद। इनकी लड़कियां तैयार हो रही हैं, और ये देखिए ये कैसी चुगलियां कर रही हैं बैठी हुई। इनको शर्म नहीं आ रही कि मतलब अपना तैयारी वैयारी करवाएं, पैकिंग वैकिंग करवाएं। हम अब तैयार होने जा रहे हैं और इनकी चुगलियां नहीं ख़त्म हो रही। हमारे बैग पैक हो चुके हैं गाइस, मेकअप आर्टिस्ट और हम लगे हुए हैं तैयारी में। तो आप देखते रहना, बस फाइनल लुक तो हम दे नहीं पाएंगे अभी, पर हाँ थोड़ी देर में जरूर दे देंगे। ठीक है जी, तो मैं बताना चाहती थी हमारा ये फाइनल लुक है, देख सकते हो आप। तीसरी खत्म हो गई होगी ना। तो देखिए ये हमारी बुआ जी हैं, ये मेन तो हमारी जिठानी जी लगेंगी वैसे, पर बुआ जी हैं ये, हमें लेने के लिए आई हैं आज, और इनके साथ हम जाएंगे। ये इनके लिए खाना आया हुआ है, और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, ये छपरी व्लॉगर। हमारे जाने का टाइम हो चुका है, तो हम आपसे ना ससुराल में जाके मिलेंगे। चलिए मिलते हैं। हमारी दीदी को कितनी जल्दी है जाने की, इन्होंने जो है चप्पलें भी अंदाजे से पहन ली हैं, बैंडेज वैंडेज लगा के मस्त सा। अभी हमारे जीजा का फोन आने वाला है। आपको एक बात बताना मैं भूल गई थी, ये मेरी बुआ जी ना अपना वादा निभाने आई है, मेरे से ये बोल रही थी कि मैं तेरे को घर तक छुड़वा के आऊँगी, तो ये अपना आज जो है प्रॉमिस करके उसको निभाने आई है। वादा ही तो बोलते हैं, वादा निभाने आई है। तो आपको मैं बाद में बताऊंगी बाकी बात। दोस्तों मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ, और ये हमारी फैमिली इकट्ठी हुई है, ये सब मुझे विदा करने आई है। ये लोग क्या बोलते हैं मेरी फैमिली, मैं सामान जाने लग गया। अब ये देखो मेरी मम्मी सामान लेने लगी है, क्या क्या सामान जाएगा वो अभी दिखा देते हैं हम। ये देखो बेटी बेटी जा रही है, ये हमारी चाची है। तो आज हम विदा ले रहे हैं। चाची कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, ये पहले ही मुझे दुखी हो रखी थी। चाची आज मैं जा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इन्हें अच्छा फील हो रहा है। 8 दिन बाद वापसी तुम्हारी टांट पे मूंग दलनी है मुझे। हमारी आपको कैसा फील हो रहा है? आज तुम्हारी लड़की जा रही है, अच्छा अच्छा क्यों लग रहा है? परेशान नहीं हो रही, दुखी नहीं हो रहा? लड़की जा रही है आज तुम्हारी, अपने घर जा रही है, खुश रहियो, काम करियो खूब और अच्छी रहियो। और मैंने कह दिया 22-23 माह आएगा छोरा, भेज दी छोरी है, कहना मान लेंगे, कह दी भेज देंगे। ठीक है जी, इंतजार करेंगे हम आपका। तो चलिए अब हम ससुराल में मिलते हैं, जाके बाय बाय। और ये अपनी अदाई बिखेरते हुए, ये लड़की क्या मलूक है। ये हम चले अपने ससुराल, और ससुराल जाने की एक्साइटमेंट होती हुई। ये ले लो। ये मामा भांजी अकेले अकेले बतलाते हुए, हमसे किसी ने नहीं पूछा, इतनी दूर ले गए लेकिन खाना पीना भी नहीं पूछा कि रास्ते में कुछ खाएंगे नहीं। रेल की पटड़ी आई है ये, शायद मुझे नहीं पता कौन सी जगह है। और गाड़ी काफ़ी स्पीड पकड़ते हुए, चलो हम पहुंच जाते हैं फिर आपसे। हम सुबह 3 बजे सोए थे और 6 बजे उठा दिए गए सिर्फ उनकी सेवा के लिए, और जो ये लोग हमसे बात भी नहीं कर रहे। हम गाड़ी में चुप बैठ के आए हैं, अपने आप आपस में दोनों लगे हुए हैं। चलो कोई नहीं, बोर होने के बावजूद भी फ़ोन हमारा सहारा है। ये हम अपने ससुराल की गलियों में घुस चुके हैं, गली नहीं है अभी, थोड़े से मोड़ वोड़ पे दूर है, पर हाँ ससुराल की महक यहाँ से आने लगी है। टम्पू वम्पू, टम्पू नहीं, बड़े बड़े ट्रोला, ये जो ट्रोला बड़ा है ये हमारे यहाँ, मैंने इंजेक्शन लगवा लिया सनी कहीं भी उसके दूध न करना। ये ट्रोला चलते हैं शायद, इसके ज़्यादा तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, पर आप रूट को एंजॉय करें। अब थोड़ी सी देर और, पाँच जरा सी और थोड़ी सी देर, अंधेरा हो जाएगा मुझे लगता है जाने जाने में, और हो गया अंधेरा। अब यहाँ पर हम बिल्कुल अपने मोड़ पे आ गए, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, इसमें लौट के जाना मस्त। और ये हमारा गली, ये घर, ये हमारा घर है, थोड़ा सा विलेज टाइप का हमारा ससुराल है, पर कोई नहीं जो भी है बहुत अच्छा है।
आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाई, नो प्रॉब्लम। गाइस हम अपने ससुराल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम ब्लॉग नहीं कर सकते हैं, तो शायद हम आपको उनका कोई ब्लॉग नहीं दे पाएंगे। तो हम आपको आज ही गुड नाइट बोलना आए हैं। और ये मेरा रूम है, थोड़ा सा मेरा हस्बैंड ऐसे ही है, उसने बिखेर रखा है सारा। मैं आपको अपना रूम टूर दिखा दूँ, अभी नहीं दिखा सकती, अभी बिगड़ा हुआ है, जब सही हो जाएगा तब दिखाऊँगी। अभी ऐसा खोला वोला रखा है। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं?